भाई लाइन से देखना, ऐसे कहते हैं वेटिंग है फिटिंग है, कहाँ वेटिंग है भाई ये बताओ आप मेरे को। सारी गाड़ी ऐसी है एक्सल सिक्स भाई, देखो कोई ना लेता इसको तो। ओ भाई कितनी बिचंडी हालत में है ये भाई। ये ब्रेजा इसके तो भाई रेट बताने में इंटरेस्टेड ना, कह रहा भाई 8 महीने की वेटिंग है सीएनजी बेस पे तो बिल्कुल ही, क्योंकि मारुति ने अपने प्रोडक्ट के खिलाफ ही अपना प्रोडक्ट ही कंपटीशन बना रखा है। पहले पेट्रोल पे स्टार्ट होंगे। अच्छा पहले स्टार्ट पेट्रोल पे। हेलो भाई, मैं उनबवार, अभी ब्रांड न्यू क्रेटा में चल रहा हूँ, 15 लाख के नीचे भाई ये गाड़ी क्रेटा सेल्टोस मेरी नजर में तो बेस्ट रहती है। लेकिन आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाला हूँ, ये हाल ही में अभी लियर इवन व्यूमन लग रहे हैं भाई गाड़ी में, भाई एक और गाड़ी की तलाश है, जेन्युइन तलाश है भाई। मतलब मेन एक सीएनजी गाड़ी अगर आपको लेनी है, जैसे हमारे अजीत भैया आ रहे हैं उनके पास क्रेटा है पेट्रोल के अंदर, आपको पता होगा हमने 21 में ली थी वो एस पेट्रोल, 14.5 की वो पड़ती थी उस टाइम पे, एस मॉडल जो ईएक्स और फिर एस आता है, अब ये पड़ रही है 14.5 की बेस मॉडल ई डीजल के अंदर। सोचो तो मेन क्या है ना, उनको उनके पास पहले स्विफ्ट हुआ करती थी भाई साहब डीजल के अंदर, फिएट वाला 1.3 जो डीजल इंजन आया करता था। अब जिसने वो गाड़ी चला ली हो यार, उसको माइलेज की ना आदत लग जाती है, उसके ऊपर माइलेज का नशा हो जाता है प्लस भगाने का नशा हो जाता है, पर उसको वो वाली चीज़ ना क्रेटा में नहीं मिलती और खास करके पेट्रोल में, तो बंदा फिर लोकल में चलने के लिए ढूंढता है भैया कोई ऐसा सस्ता जुगाड़ कि भैया कोई ऐसे बढ़िया अफोर्डेबल ऑप्शन होना चाहिए, तो फिर क्या नज़र में आता भैया, सीएनजी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ईवी वगैरह का ऐसा यार कि ईवी दूसरे लोगों के लिए, शहरी ज़्यादा लोग जो होते हैं ना वो थोड़े झुकाव है उनकी तरफ जिनको लोकल लोकल चलना है, लेकिन जैसे ये है भाई थोड़ा लोकल में भी चल ले, कब भागनी पड़ जाए गाड़ी लेके तो वो भी चाहिए, तो ऐसे करके भाई को हमारी को सीएनजी गाड़ी की जरूरत पड़ रही है। अब हमारे भाई साहब बढ़ रहे हैं भैया इस गाड़ी के ऊपर कि भैया अरुण यह गाड़ी फाइनल करवा दे भाई। अब मैंने थोड़ी सी देखी इधर उधर, मैं कह रहा भाई ये गाड़ी 7.5 लाख की पड़ रही है LXi वैगनार सीएनजी के अंदर ऑन रोड, 7.5 की हरियाणा में, मैं कह रहा 7.5 की रियल में वैगनार लोगे वो भी बेस मॉडल, मैं कहा नो ब्रो। फिर ऑप्शन आया टाटा टियागो का सीएनजी के अंदर, फिर वो मैंने प्राइस चेक करा भैया वो भी 7.5 लाख रुपए का, मैं कहा नहीं यार टाटा पे मेरा जो ये दिल है ना, हम सब के अंदर एक दिल लगा होता है, वो दिल भी मानना चाहिए, वो दिल नहीं मान रहा ये वाला, तो मैंने कहा कि ये टाटा की गाड़ी मतलब पर्सनली टियागो वगैरह जब मेरे एक्सपीरियंस कर रखा हो बहुत यार दोस्तों से, उसमें कभी कोई दिक्कत, कभी इंजन मतलब सही नहीं है। फिर एक ऑप्शन आता है भैया आपकी इसका क्या बोलते हैं अल्ट्रोज का, वो भी मतलब जा रही है 8.5 लाख रुपए की, बलेनो जा रही है वो भी 8.5 लाख रुपए की, तो मैंने उनको थोड़ा लिटिल सा कन्विंस किया कि आप एक अल्लाह मेरे साथ यहाँ गुरुग्राम चलो और मैं आपको एक गाड़ी दिखा के लाऊंगा, हाँ या ना करना आर्य पार, और डिलीवरी इस बार लेंगे ही लेंगे। एक बार इनका पहले मूड बना था न्यू ईयर से पहले जब बलेनो सीएनजी फाइनल हो गई थी, सब चीज़ हो गई थी, लेकिन उन्होंने तब नहीं ली, पता नहीं क्या हुआ इनको, फिर ये एटिगा की बोलने लग गए 11.5 की 7.5 में वो पड़ जाएगी, फिर वो एटिगा अवेलेबल नहीं हो रही थी, फिर ये कहने लगे XL6 देख लेते वो 14.5 लाख की, मतलब इस तरीके से आदमी का बजट बढ़ता चला जाता है भाई। मैं आपको रियल केस बताऊं, जब जैसे आप कितनी वीडियो वगैरह डाल लो ऐसे कहते हैं ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब जिस बंदे को प्रैक्टिकली गाड़ी खरीदनी होती है ना उसका दिमाग घूमता है यार कौन सी लें, जिसकी मतलब जिसको कंटेंट के लिए गाड़ी नहीं चाहिए मेनली, जिसकी रियल में नीड है उसके लिए गाड़ी लेना ना, जैसे ओरा भी आती है सीएनजी में, तो एक मेनली सीएनजी गाड़ी चाहिए इस बार जो मतलब अफोर्डेबल ऑप्शन हो, ज्यादा चले यार, मतलब लेने के बाद जेब पे भारी ना पड़े। देखो ये क्रेटा है अपनी fameofcars.com से, तो आप नंबर प्लेट वगैरह दबा के भाई ऑर्डर कर ही रहे हैं, अपना करो मौज लो, सारी एक्सेसरी बेस्ट रेट्स पे यहीं पे मिलती है। चलो एक बार चलते हैं अंदर, इनकी गाड़ी तो खड़ी है भाई। नेक्स्ट सवालों की सेवा देखो, बिस्कुट भी कॉफी भी चाय भी, तो डैडी कौन सी गाड़ी का प्लान है आपका, मन कर रहा है यार तू फायदा ले रही हो भाई का सीएनजी में, जियो गाड़ी देख लोगे ना जो आज वो मजा आ जाएगा भाई, इनकी तो पत्थर की घिसाई चल रही है नेक्स्ट सवालों की, कहीं और खड़ी कर रखी है इन्होंने, वहाँ पे देखने चलते हैं एक बार। प्राइस वगैरह ले लिया 10 लाख का बता रहे हैं ये तो कोई, तो ये फ्रोनेक्स का बेस्ट रेट दिया अभी, ये सिल्वर बेस मॉडल पड़ेगी 9,58,000 रुपए की, सब कुछ काट पीट के, और कंपनी से इस पे 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं है। बलेनो पे तो अभी इन्होंने बढ़िया डिस्काउंट चला रखा है, क्योंकि इन्होंने ना अपना प्रोडक्ट बलेनो ही मार दिया जब से फ्रोनेक्स लॉन्च करी है, बलेनो कोई लेता नहीं है, मतलब ज्यादा लोग फ्रोनेक्स की तरफ अब शिफ्ट हो रहे हैं, नया प्रोडक्ट अच्छा दिखता है, पर 9,58,000 बताओ यार ओवर प्राइस ही तो नहीं है यार, मतलब कुछ लिटिल डिस्काउंट होना चाहिए 9,58,000 में बेस मॉडल सीएनजी, ये ऑन रोड प्राइस है भाई हरियाणा का,
मतलब सब कुछ फालतू की चीज कटवाने के बाद है ये प्राइस, इससे नीचे मुश्किल ही हो सकता है। इंश्योरेंस में लिटिल लिटिल हो जाएगा तो 953-954 के लगभग पड़ेगी बस ये गाड़ी, इससे नीचे नहीं। चलो भाई अब हमने रेट वेट तो मतलब फाइनल कर लिए भाई के साथ, अब ये भाई हैं हमारे नेक्सा वाले भाई, अपना इंट्रोडक्शन दे दो लिटिल लिटिल सा। भाई योगेश, योगेश भाई नेक्सा अलीपुर से, अब उसमें चल रहे हैं भाई स्टॉक यार्ड में देखने। भाई हमारे भाई की चॉइस है सिल्वर कलर लेने की, अवेलेबल है भाई? तो कितने तक की? 9.5 तक की पड़ जाएगी, 953-954 के समथिंग। हाँ मतलब 9.5 मतलब 2-3-4 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो जाएगी, पर मेन है भाई को गाड़ी पसंद आनी चाहिए, मेन तो हेडक्वार्टर वो है उनको आनी चाहिए तब बात बन सकती है भाई। ये वैगनार से ले रही हो तो मच बेटर ऑप्शन है। एक पता है हमारे डैडी जी की मतलब वो जान भी तो इम्पोर्टेंट है, वो थोड़ी हल्की पड़ जाती है यार बिल्ड क्वालिटी वगैरह, अब दिखना भी थोड़ा सा कम हो गया है, ये लोकल में चाहिए हमें तो कभी मार मुड़ दे इधर उधर तो उसमें दिक्कत हो जाती है। फ्रोंग जब भी बिल्ड क्वालिटी वाइज वगैरह सेफ्टी वाइज मच बेटर गाड़ी है जो इनकी नहीं आई है ये, पर भाई इस बार तो श्योर हो ना आप? आप ऐसे ही करते हो हर बार, ऐसे ही वो झंड करवा देते हो। एक बार जेसीबी लेने वाले थे हम लोग, उसकी कर वो तो पुरानी ली ना, फिर यार जब एक आधे रेट में पुरानी मिल गई तो फिर मिल तो गई, वाक बाद एक और ले ली, दो ले ली। वाह वाह देखो भाई कितनी गाड़ी होती है, ये फ्रॉन्क्स खड़ी है लाइन से, ये रेडी बिल्कुल। ये भैया ये सिल्वर CNG कलर तो ये बहुत अच्छा है, पर ये भी अच्छी लग रही है वैसे, नो डाउट ये बिल्कुल बेस मॉडल है भाई साहब। हाँ सिग्मा लाइन तो सारी फ्रॉन्क्स है, सारी मतलब ये भी ये सारी जितनी आप यहाँ लाइन में दिख रही है ये है, यू इग्निस है लाइन में पूरी। व्हाइट कलर और भी अच्छा लग रहा, यू कलर मो बढ़िया लग रहा है ना। हाँ। यू बहुत प्यारो का लग रहा है। सुमित भाई ने भी यही लिया अभी रिसेंटली, CNG बेस मॉडल है बिल्कुल। जिमनी देखो कैसे धूल खा रही है कितनी बुरी तरीके से, सारी गाड़ी ऐसी है। XL6 भाई देखो कोई ना लेता इसको तो, ओ भाई कितनी भिचंडी हालत में है ये। टॉप मॉडल तो इसके बिल्कुल ही नहीं बिकते, इतनी बुरी हालत में हो रखा है, पर जब कस्टमर खरीदता है ना इसको चमका के दे देते हैं एकदम फर्स्ट क्लास टाइप। अब ऐसे ही परजेस कवाड में खड़ी होते की जो गाड़ी हम भी वही तो या मैं यार या मैं डिग्गी में फर्क ना का सेम है बिल्कुल ना ना वैसे या मैं तो CNG ना है सिलेंडर ना वो में सिलेंडर। हां वही है बस वही फर्क है या कि वो ना 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 वो सेम है कलर की वजह से आपको थोड़ा लग रहा होगा। यू बेस्ट लग रहा कलर तो, सिल्वर ना लग रहा इतना बढ़िया, या तो व्हाइट या ये ना 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 चलो पहगी ना है बढ़िया लगे कलर, या फिर ब्लू। ब्लू भी दिखा देते हैं आओ एक बार आपको भाई लाइन से देखना, ऐसे कहते हैं वेटिंग है फिटिंग है, कहाँ वेटिंग है भाई ये बताओ आप मेरे को। लगा यू है ब्लू और कैसा मतलब कितनी भिचंडी हो रखी है, ब्लू तो ना लग रही मस्त कलर वो ग्रे वाला। हाँ। ब्लैक अलग लग रहा कुछ, अभी तो आप बेस लग रही है बेस मॉडल है ऐसा थोड़ी सी ऐसा लगेगी, पर जब इसमें क्रोम वगैरह लग जाता है ना उसके बाद जो गाड़ी लगती है डेट इज नेक्स्ट लेवल। क्रोम मतलब ये चमकना चमकना सा आगे का। चलो एक अल्लाह देख लेते हैं भाई निकलवा के गाड़ी को ना, जरा कैसी है कैसी नहीं है, फीचर वीचर एक बार समझ लेते हैं गाड़ी के। फॉग लैंप भी ना लग सके नीचे, सब लग जाए भाई A to Z जो आप सोच सकते हो ना, अलॉय वलॉय फेंडर चेंज सारी चीज। योगेश भाई ब्लैक कलर में तो ना लगा है गाड़ी बिल्कुल ब्लैक, बेस में ना 16 नंबर है, प्योर ब्लैक ना है ना, प्योर ब्लैक ना है। वैसे इस पे मतलब ये कलर मुझे भी बहुत ही रियलिटी में अच्छा लग रहा है, वीडियो वीडियो में इतना अच्छा नहीं लगता पर रियल में बहुत अच्छा लग रहा है। मेन तो भाई ये वाली रिक्वायरमेंट है। सिलेंडर कितने किलो हुए हम स्पेयर टायर भी बेस्ट चीज ये है भाई, एक सिलेंडर है, टाटा पे भरोसा नहीं कर सकते भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग ना, कि भाई मतलब अभी इतनी रिलायबिलिटी नहीं है, मारुति से बेटर CNG में तो कुछ है ही नहीं। और सेंटर ये भी है नेक रेस्ट भी, अब बैठ के देखो स्पेस वगैरह आपको सब ओके लगेगा। 40 का सीट भी है, 40 बेस मॉडल से फीचर आ रहे हैं, 40 कैसे हट जाए। हां अलग अलग सीट लोड जाए, और मेन चीज चारों पावर विंडो है बेस मॉडल में, सेंट्रल लॉकिंग है, और भैया चाबियों का गुच्छा देखो आप देख रहे हो ये क्या है, मतलब बेस मॉडल में भाई बेस्ट चीज तो मुझे ये लगती है सेंट्रल लॉकिंग आ गई, चारों पावर विंडो आ गया, मीटर में टैकोमीटर आ गया आपका, यहाँ पे स्टीरियो वगैरह तो आफ्टर मार्केट वाली चीजें हैं। ये इंटीरियर देखो आपको भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, ऑटोमेटिक फैन स्पीड टेम्परेचर वगैरह एडजस्ट करने का, सॉफ्ट टच दे रखा है फैब्रिक के अंदर, और ये भी अपना ऑटोमेटिक IRVM आ गया है, और ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, यहाँ से फ्यूल अपना चेंज कर सकते हो, पेट्रोल में चलानी है अपना CNG में आपको चलानी है। 17-18 दे देगी वही, मतलब मारुति पेट्रोल में तो बेस्ट है। यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश दे दी है गियर में, मतलब ये चेंज हो सकता है बाहर से, ये चेंज हो सकता है, यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट डल जाएगा इसके अंदर, और व्हील कैप्स तो आती हैं भाई पीछे कंपनी से, और ये अपना 64 स्प्लिट सीट्स हो गई, यहाँ पे लाइट हो गई,
यहाँ पे तो खैर इसके अंदर तो वो सनग्लास होल्डर वगैरह नहीं डलते, पर इंटीरियर इसका बहुत प्यारा है। वो सिस्टम जैसे क्रेटा में वो चेंज होगा, बेस मॉडल में नहीं आते ना, वो चेंज होता है, स्पीकर वगैरह डालेंगे बाहर से। अब आप एक बात खुद सोचो, आप वो सिलेरी और वो लोगे, उसमें कुछ भी नहीं आएगा ना, टैकोमीटर ना कुछ भी, और इसमें ऐसा लगा करेगा अंदर से भी कुछ वीडियो वीडियो बनाते ऐसे मजा आता है कि भाई कोई ब्रेजा या कोई ग्रैंड विटारा है, बलेनो इंटीरियर सेम है भाई। ये वो है अपना इसके, इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन है ना वो देखने के लिए, सीएनजी मीटर है और ये पेट्रोल मीटर है। है कैसे मतलब? अच्छा, ये सीएनजी तो फुल है, ये सीएनजी दिखा रहा है फुल है, ये पेट्रोल मीटर है ऊपर पेट्रोल में है, स्टार्ट करना है। अच्छा कंपनी मतलब फुल सीएनजी करके दे, अभी वो पेट्रोल में है, पीछे से एक आवाज आएगी 2 मिनट बाद किटकी, गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक सीएनजी पे चली जाएगी। पहले पेट्रोल पे स्टार्ट होगी। अच्छा पहले स्टार्ट पेट्रोल पे, फिर अब कैसे पता लगेगा? अपने आप जो पेट्रोल है ना वो चला जाएगा, सीएनजी जो ब्लिंक कर रही है सीएनजी लिखा रह जाएगा, सीएनजी पेट्रोल हट जाएगा। और भाई सीट बेल्ट अब तीनों का बताती है, अलर्ट तीनों का आ गया है, अब तो ये मैंडेटरी हो गया है। सीट अब डाउन करने का भी दिखाता है अलग से, डिग्गी खोलो ना तो सीट ऊपर नीचे करने का थोड़ी है, इसके अंदर नहीं है वो, डेल्टा से आ रहा है, इसके अंदर वो वाला नहीं है, ऊपर दूसरी में, हाँ इससे ऊपर वाले मॉडल में प्रो बहुत महंगा चला जाएगा। कितना एक सीट का नहीं है क्या है? आप बैठ के देखो, बुत्तेरी ऊंची है गाड़ी, अब बैठो आगे देख लो, पिकअप वो तो चलती है ना, वो चीज नहीं है, सो प्लास्टिक वो है नीचे जो गलावर ना पकड़े गाड़ी, वो सब चेंज कर दिया है। बेस मॉडल में डिफोगर भी दे रखा है फ्रोनेक्स में, ये देखो ये डिफोगर, मतलब धुंध पड़ती है तो उसमें काम आता है, उसको चला दो हीट हो के ग्लास पे, वास वगैरह हट जाती है। उसमें क्रेट वगैरह में यो भी नहीं है ओपनिंग का, की रिक्वेस्ट की ओपनर अगर सी एन जी ना है तो पेट्रोल में चलाओ, कोई दिक्कत ना रहा है। ये इसका अंडर द हुड है भाई, 1200 cc का पेट्रोल इंजन, कितने गैप है, और ये भी लगा रखा है इसके अंदर भाई, इंजन गार्ड नीचे। भाई हमारे डैडी को थोड़ी दिक्कत लग गई, ड्राइवर सीट एडजस्ट नहीं होगी तो डेल्टा देखने लगे। डेल्टा में क्या आ जाएगा भाई? ऊपर देखो ये मिरर और हैंडल सेम कलर आ जाते हैं, स्टीरियो आ जाता है अंदर, अप डाउन कर सके हैं, देख लो बाबा खुलवा। और ये कितने का पड़ेगा? ये कितने का पड़ेगा ऊपर देख लेता हूं भाई। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल 1.5 लाख रुपए ऊपर जाएगा। तो है वो आ जाएगा, स्टीरियो स्पीकर आ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल ऐड जाएंगे, आ गया इंडिकेटर साइड में, हाँ फेंडर पे है इसके अंदर। ये भी सीएनजी है भाई, सीएनजी कैसे पता चलता है? यहाँ पे स्टीकर लगा के देती है कंपनी। क्या वो डेल्टा प्लस में आएगा फिर? नहीं नहीं इतना वर्थ नहीं है, वो सिग्मा बेस्ट है यार, क्यों डोल रहा चक्करों में। कलर भाई ब्लू ग्रे या व्हाइट, इन तीनों में बड़ी मोटी कंफ्यूजन हो रही है यार। व्हाइट तो वैसे बहुत ही अच्छा लगता है, पर ये ब्लू भी, ये देखो आप बताओ भाई कमेंट सेक्शन में, आप लोग बताओ ब्लू ना लगे अच्छो ग्रे देख लो भाई। हम यहाँ खड़े थे, डैडी को ये दिख गई सिलेरियो और ये वैगनार, अब इन पे जिद बैठ गए, इनको दिखाओ मेरे को, इनको दिखाओ, ये देखूंगा मैं सीएनजी पे, ये नई वाली सिलेरियो। अरे यार वो क्रीम गाड़ी है डैडी यार, ये क्या ये डिब्बा सी लगे, गोल मटोल सी, क्यूटी पाई सी, सी एन जी ना कोई मीटर वीटर कहीं कहीं घुमा दो वो भी घूम जाएगी। तो यार प्राइस कितना कितना ही फर्क है, आप रेट तो देखो, थोड़ा बहुत 1.5 लाख रुपए का फर्क है, वो गाड़ी अलग ही चीज है। नेक्सा के अंदर आज तो नहीं है, 7.5 की है, भी 7.5 की है, 7-10 में पड़ जाएगी भाई। देखो जैसे जैसे फ्रोनेक्स गाड़ी है, जैसे जो ट्रेंडिंग गाड़ी होती है ना, इनका फायदा ये भी होता है कि सारी एक्सेसरीज वगैरह मिल जाती है, ये बेस टू टॉप बड़े प्यार से बन जाती है। सिलेरियो है, वैगनार है, मतलब इनमें उतना फील नहीं आता उसमें पैसा लगाने का ना, कि मॉडिफिकेशन उसमें भाई यार आप आराम से बेस ट्यूब डलवाओ, बढ़िया स्पीकर डलवाओ, कनेक्टिंग लाइट डलवाओ, बेस्ट है उसका। इनका इतना सामान मिल नहीं पाता है। अब जैसे आपको नंबर प्लेट वगैरह ही चाहिए होती है एक्सेसरीज, तो आप famofcars.com से इन गाड़ियों की इजीली अपना ऑर्डर करके लगवा सकते हो, कहीं भी किसी भी स्टेट से बैठे फास्ट डिलीवरी हो जाती है। लेकिन इनका कुछ भी नहीं मिलता, तो भैया आपको भी कोई कार स्टिकर चाहिए, एक्सेसरी चाहिए, बेस्ट रेट्स पे OEM पार्ट्स चाहिए क्रेटा का या किसी भी गाड़ी का, तो आप famofcars.com पे जाके बैठ अपने घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, आप घर पे से डिलीवर कर दिए जाते हैं। भाई ये वैगनार देख रहे हैं,
देखो भाई देख देखो चलो डिसाइड करते हैं भाई, बेस्ट चीज जो मिलती है वो आपको उसकी डिलीवरी दिखाते हैं कि कौन सी बेस्ट अपनी बैठती है, मतलब ऐसी एक सेकेंडरी कार टाइप आप समझ रहे हो जिसको लोकल में ऐसे घुमाया जाए। देखो मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, गाड़ी एक बार ली जाती है क्या 1-1.5-2 लाख रुपए देखने, 2-4 हज़ार रुपये मंथली ईएमआई ज़्यादा बन जाएगी और तो क्या ही है, पर गाड़ी में स्वाद भी तो आएगा एवरी डे, जब भी गाड़ी में घर में खड़ी हुई देखेंगे फील आएगी। बट हमारे डैडी जी मान ना रहे, इनको देखने लग गए यार, मैं तो इतनी अच्छी प्रोनेक्स दिखाने लेके आया था भाई। एक प्रैक्टिकल ऑप्शन निकल के आया यार, इतना पैसा डालो ही तो भाई आप 60-70 हज़ार रुपये ऊपर मिला के ना 10-20 की तो वो आ रही है यार ब्रेजा एलेक्साई सीएनजी में, वो ऊंची गाड़ी 15 सीसी का इंजन, वो ज़्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी है यार। तो इसलिए अब हम चल दिए भैया अरे ना, मैं साइड बाय साइड ही है ये, इसमें पूछ के आते हैं ब्रेजा का क्या सीन रहता है। उस भाई को तो बाय बाय कर दिया हमने भाई, ये ब्रेजा इसके तो भाई रेट बताने में इंटरेस्टेड ना, कह रहा भाई 8 महीने की वेटिंग है सीएनजी बेस पे, तो बिल्कुल ही मतलब रेट ही नहीं बता रहे, हद है उस पर। वो तो सारी गाड़ी ऑटो है, ये आपकी अपनी है? नहीं कंपनी की, कंपनी की है ये भी, टेस्ट ड्राइव वगैरह के लिए, टेस्ट ड्राइव के लिए आए कंप्यूटर फेल कर रहा था मैंने ऐसी। भाई साहब की राइटिंग बहुत सुंदर है ना, मैंने सिर्फ इसमें देखी है नहीं। तो भाई ये गाड़ी मेरे को तो पर्सनली बेस्ट लगती है, एस्प्रेसो लोकल के लिए बेस्ट है यार, देखना क्या लुक देखो इसकी कितनी भयंकर है भाई। चलो बंद हो गया शोरूम वोरूम, अब चलते हैं और देखते हैं भाई, सबका बिल बिल बनवा लिया है भाई, ओल्ड लोगों के साथ आने में बड़ी मोटी दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आ सकता भाई कुछ भी उनको, क्या समझ आ अन्नू तुम पागल रहे हो, ब्रेजा में फायदा है 2.5 लाख तो जीएसटी के कम हो जाएंगे। चलो ब्रेजा ले लो फिर, क्या आएगा 40 हज़ार ये बेस किट है, या सूत्री कटवा देंगे हम। चलो ठीक है, कैसे ना कटेगी। चलो मैं पूरा आपको रेट्स का आइडिया दे देता हूँ भाई, पूरा हम पर्चा बनवा लाए हैं। देखो वैगनार एलएक्सआई सीएनजी ये पड़ रही है हमको, ये तो वैसा हो गया नॉर्मल जो प्राइस होता है, पॉज करके पढ़ सकते हो। इन्होंने फाइनल बोला 6,95,000 रुपये में दे देंगे ये सब चीज़ों के साथ, वारंटी भी, बेसिक किट भी, सब चीज़ ठीक है। और VXI CNG पड़ेगी भैया 7,45,000 की, इसमें हम बेसिक किट वगैरह भी अगर कटवाएं तो 7,30 की पड़ जाएगी इसमें, ये सही है मतलब वैल्यू फॉर मनी, सेंट्रल लॉकिंग भी है, चारों पावर विंडो भी है, स्पीकर भी है, स्टीरियो भी, मतलब बाहर से इसमें कुछ नहीं करवाना, 40-50 हज़ार रुपये का फ़र्क है LXI और इसमें VXI में। क्या कह रहे हैं डैडी है, और सैलरियो पड़ रही है भाई साहब आपकी 7,28,000 रुपये की फाइनल, मतलब सब चीज़ लगा के अभी इसमें से भी हम कटवा सकते हैं, चाहे तो वारंटी कटवा दें या फिर इंश्योरेंस में कम होगा अभी तो, बेसिक किट कट जाएगी तो और सस्ती पड़ जाएगी 7 लाख के करीबन है। और अगर आप ब्रेजा का देखो तो ब्रेजा में भैया देखो कोई नीचे कुछ नहीं लिखा क्योंकि इस पर कोई डिस्काउंट वगैरह है ही नहीं, लेकिन इसमें भैया है कुछ भी नहीं कटेगा, मतलब बेसिक किट वगैरह कट जाएगी, नहीं कटेगी ना, कटेगी कुछ भी ना कटेगा, इतने की पड़ेगी 11 लाख रुपए की ब्रेजा पड़ेगी। अब भाई भाई के ऊपर है क्या लेते हैं, क्या भाई लेते के ऊपर ना, तेरे ऊपर है, चल घर पर चल के बात करेंगे। हाँ भाई देखते हैं कि क्या बेस्ट समझ आता है, क्योंकि मारुति ने अपने प्रोडक्ट के खिलाफ ही अपना प्रोडक्ट ही कंपटीशन बना रखा है, अपनी गाड़ियों को खुद से ही फाइट करवा रखी है। मेन बात ये है कस्टमर बहुत कंफ्यूज होता है रियलिटी में भाई कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि गाड़ी घोड़ा ऐसा तो है नहीं आज लिया कल बदल दिया, अब हम कंफ्यूज है गए ना। हाँ मॉडिफाई करवा के 3 महीने 6 महीने 1 साल में बेच दी ना, 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 ना। रखनी है एक बार ले ली तो रखनी है लंबे टाइम तक। हाँ चलो भाइयों को बताते हैं भाई क्या लेते हैं, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, करो बाय बाय बाय।